नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, टाइगर और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां इस साल की मच अवेटेड मूवी थी, जिसका बजट 350 करोड़ था। इस हाई बजट मूवी में अक्षय कुमार, पृथ्वीराज सुकुमारन और सोनाक्षी सिन्हा थी, लेकिन ऑडियंस को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आया और मूवी डिजास्टर साबित हुई। और मूवी फ्लॉप होते ही टाइगर और अक्षय दोनों के करियर पर और भी ज्यादा डाउनफॉल आ गया। बड़े मियां छोटे मियां के फ्लॉप होने का असर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों पर दिख रहा है। फिलहाल अक्षय कुमार को तो थोड़ा बहुत काम मिल भी रहा है, लेकिन टाइगर श्रॉफ के पास जो काम था वो भी छिन गया। टाइगर श्रॉफ अपनी फीस भी घटा चुके हैं। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को बड़े मियां छोटे मियां से काफी उम्मीद थी, लेकिन मूवी फ्लॉप होते ही टाइगर की वैल्यू घट गई। जहां टाइगर श्रॉफ एक मूवी के लिए 9 करोड़ चार्ज करते थे, वहीं अब एक मूवी के लिए 6 करोड़ के आसपास चार्ज कर रहे हैं। लीक से मुताबिक टाइगर श्रॉफ दिशा पटानी के साथ हीरो नंबर 1 मूवी करने वाले थे और इस मूवी के लिए उन्होंने 6 करोड़ चार्ज किया था, लेकिन मेकर्स टाइगर के लगातार फ्लॉप मूवी आने से हीरो नंबर 1 मूवी को टाइगर के साथ नहीं बनाना चाहते। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम को किनारे करते हुए टाइगर के बागी फ्रेंचाइजी की अगली मूवी बागी 4 का अपडेट सामने आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बागी 4 अब स्टार्ट होने जा रहा है और बागी 4 से टाइगर एक शानदार कमबैक करने वाले हैं। बागी 4 को कन्नड़ डायरेक्टर हर्ष डायरेक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी के शूटिंग से पहले मेकर स्टार कास्ट को रिवील करने वाले हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, वो इसे सीक्रेट भी रख सकते हैं। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ एक अलग ही लुक में दिखेंगे और कन्नड़ डायरेक्टर हर्ष इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे एक अलग ही उम्मीद है बागी 4 को लेकर। तो फ्रेंड्स, बागी 4 की शूटिंग नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है और उम्मीद किया जा सकता है कि कन्नड़ डायरेक्टर हर्ष बागी के तीनों पार्ट से हटकर कुछ नया दिखाएंगे, जिससे टाइगर श्रॉफ का कमबैक हो सके और मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो, क्योंकि इसके पिछले तीनों पार्ट को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला। वैसे आपको क्या लगता है कि बागी 4 टाइगर के डाउनफॉल को कम कर पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, बागी 2 पर अभी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं। जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।